अक्सर लोगों के मन में एक डर बैठा होता है डिलीवरी को लेकर। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं इस बात से ज़रूर डरे होंगे कि पता नहीं डिलीवरी में मुझे कितना पेन होगा, पता नहीं मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी या नहीं। तो आज का ये टॉपिक है पेनलेस डिलीवरी, यानी बिना दर्द के डिलीवरी कैसे हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, MBBS MS DNB ऑब्स एंड गायनी विद सुपर स्पेशलाइजेशन इन IVF एंड इनफर्टिलिटी। अपने पिछले कई साल के एक्सपीरियंस में हमने अपने सेंटर से कई लोगों को कंसीव करने में हेल्प करी है IUI, IVF और नेचुरल मेथड्स के थ्रू, और हम डेली बेसिस पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करते हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेनलेस डिलीवरी। तो पेनलेस डिलीवरी आखिर क्या होता है? पेनलेस डिलीवरी यानी एक ऐसा तरीका जिसमें बिना पेन के आप डिलीवरी कर सकें। ये ऐसा कैसे होता है, इसको करने का क्या तरीका होता है? ये जनरली एनेस्थेटिस्ट द्वारा किया जाता है, यानी हम एनेस्थीजिया के डॉक्टर को बुलाते हैं जब पेशेंट डिलीवरी के टाइम एडमिट होता है। उसमें एनेस्थीजिया के जो डॉक्टर हैं वो आपकी स्पाइन यानी आपकी जो बैकबोन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड के पास एक स्पेस होती है जिसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, उसके अंदर एक पतली सी नीडल इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। जो कैथेटर अपनी प्लेस पे रहता है और उसमें से दवाई रेगुलर बेसिस पे इंजेक्ट करते रहते हैं जब तक आपका ड्यूरेशन ऑफ लेबर चले, ताकि आपको कोई भी पेन फील ना हो। तो आपको पेनलेस डिलीवरी के लिए क्यों ऑप्ट करना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं बच्चे को डिलीवर करने में। बच्चे की डिलीवरी एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उस औरत की लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसकी मेमोरीज हमेशा उसके लिए एक अच्छे सेंस में होनी चाहिए, ना कि एक भयानक और डरावने एक्सपीरियंस की तरह। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि आपको पेनलेस डिलीवरी यानी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत मिथ्स जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला मिथ, पहली गलतफहमी जो लोगों को लगता है कि एपिड्यूरल लगवाने से या पेनलेस डिलीवरी से हमारे सिजेरियन के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एपिड्यूरल लगवाने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को पेन नहीं फील होता तो वो अच्छे से कोऑपरेट कर पाता है, लंबे समय तक अपना लेबर का जो प्रोसेस है उसको बेयर कर पाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ना कि सिजेरियन के। दूसरी गलतफहमी कि ये सेफ नहीं होता ना माँ और बच्चे के लिए। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही माँ को कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी में सुई लगवाने से हमेशा के लिए हमारी कमर में दर्द रहेगा या फिर हमको कुछ पैरालिसिस हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। ये जो नीडल होती है ये बहुत पतली बहुत फाइन होती है और इससे लॉन्ग टर्म कोई भी इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं रहता और ना ही कोई पेन होता है इससे। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको एपिड्यूरल लगवाने के बाद आपको बेबी को पुश करने की सेंसेशन नहीं आती, ये भी गलत है। आपको पुश करने की जो सेंसेशन है वो उसी तरह से आती है जैसे विदाउट एपिड्यूरल आती है, और आप बेबी को पुश कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी वैक्यूम वगैरह के जो चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, बट इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे एपिड्यूरल लगवाने के बाद, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। एपिड्यूरल लगवाने के बाद आपको मोटर लॉस नहीं होता, मतलब कि आपकी चलने की क्षमता रहती है, सिर्फ सेंसरी लॉस होता है, यानी आपको जो पेन की सेंसेशन है वो फील नहीं होती, बस। आप चल सकते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके भी चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, यूरिन वगैरह करने जा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एपिड्यूरल लगवाने के बाद आपको पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो जो लेबर का नॉर्मल ड्यूरेशन और जो नॉर्मल प्रोसेस है वो वैसे ही चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्शंस वैसे ही आते हैं यूट्रस में और चले जाते हैं। आपको उसका एक बस फीलिंग और सेंसेशन होगा कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बट पेन नहीं होगा। और जब फुल डायलिटेशन पे आप पहुंच जाओगे यानी डिलीवरी के एकदम पास, तो आपको अर्ज भी होगा बियर डाउन करने का कि हाँ मुझे बेबी को पुश करना है, और आप उसको पुश कर पाओगे। एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद कुछ घंटे बाद या एक दो घंटे बाद हम एपिड्यूरल जो कैथेटर है जो आपकी कमर में डाला हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको आप चाहते हो तो आप प्लीज़ एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट कीजिए, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए, जिससे आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस एक बहुत सुखद एक्सपीरियंस होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक पेशेंट से बात करेंगे जिसने एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस लिया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो डिलीवरी के बाद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया वाली डिलीवरी के बाद बहुत खुश है। तो नेक्स्ट वीडियो आप उसकी प्लीज़ देखिए। थैंक यू।